इससे पहले कि आप कूद कर इस ताजगी भरे पूल में जाएं, इसे एक बार अच्छे से देख लें। ये ऊपर तक खून चूसने वाली लैम्प्री से भरा हो सकता है और ये भूखी हैं। ये कैसे आपको खाएंगी? एक बार ये आप पर चिपक जाएं तो आप इन्हें कैसे हटाएंगे और कितनी देर में आपकी जान चली जाएगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप लैम्प्रीज से भरे एक पूल में गिर जाएं। पहली नजर में आप इस पतली सी बिना कांटों वाली मछली को एक ईल जैसा समझने की भूल कर सकते हैं, लेकिन लैम्प्री के पास एक अलग सा फनल जैसा मुंह होता है जो दूसरी मछलियों के मांस में घुसकर उनका खून और दूसरे फ्लूइड्स चूसने में काम आने वाले दांतों से भरा होता है। मीठे और खारे पानी में पाई जाने वाली लैम्प्री की 31 अलग अलग स्पीशीज में से कुछ अपने जीवन की शुरुआत फिल्टर फीडर्स के तौर पर करती हैं। इसका मतलब कि इन्हें अपना खाना आसपास के पानी से फिल्टर होकर निकले पार्टिकल से मिलता है, फिर ये बदल कर बड़े होने पर एक मांसाहारी पैरासाइट यानी परजीवी की तरह रहने लगती हैं। हाँ, ये बड़े समुद्री जानवरों का शिकार करती हैं, यहां तक कि शार्क्स का भी। तो आपकी किस्मत खराब है, ये लैम्प्रीज आपके खून की प्यासी हैं। जब आप पानी में कूदते हैं, आपका लैम्प्रीज को देखकर पहला ख्याल हो सकता है कि ये कितनी खूबसूरत हैं। किस तरह से इनका काला और नीला रंग इनके पेट के पास आकर हल्के रंगों में बदल जाता है, और इनकी चिकनी बिना कांटों वाली स्किन देखने में कितनी कोमल लगती है। जो अगली चीज आप देखेंगे वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। इनके छोटे पैने दांतों के 11 या 12 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी एक केंद्र पर बने गोलों से भरा मुंह सीधा आपकी तरफ पड़ रहा होगा, साथ ही एक जीभ जिसकी बनावट एक सैंड पेपर जैसी खुरदरी होगी। आप इतनी तेजी से तैरकर इनसे दूर नहीं जा सकेंगे। इनके सक्शन कप जैसे मुंह आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर चिपक जाएंगे और आप पर इनकी पकड़ काफी मजबूत होगी, लगभग ऐसा जैसे वो कई छोटे वैक्यूम ट्यूब्स हों, वो भी दांतों के साथ। ये छोटे दांत आपकी स्किन के अंदर घुस जाएंगे और लैम्प्रीज आपका खून चूसने लगेंगे। बिल्कुल मच्छरों की ही तरह इस दौरान इनके थूक में मौजूद एंटी कोएगुलेंट आपके खून को क्लॉट होने से रोकता रहेगा। आप इन्हें अपनी बॉडी से खींचकर अलग नहीं कर पाएंगे। इनके पैने दांत आपके मांस को पीस रहे होंगे। अगर इन्हें ज्यादा समय मिल जाता है तो ये आपको खाते खाते आपकी हड्डियों तक पहुंच जाएंगी। इस पॉइंट पर आप घबराने लगेंगे। समुद्री लैम्प्रीज जिन मछलियों पर हमला करती हैं, उनमें से 85% से ज्यादा हद से ज्यादा खून बह जाने से या इन्फेक्शन से मर जाती हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में लगभग 5 लीटर खून होता है, आप सिर्फ तभी जिंदा बच सकते हैं जब कुछ ही लैम्प्रीज आप पर चिपकी हो। लेकिन इस भयानक पूल में जिससे आप भाग भी नहीं सकते, सैकड़ों लैम्प्रीज होने वाली हैं। अगर ऐसी 90 मछलियां 24 घंटों के लिए आप पर चिपक जाती हैं, तो आप इतना खून बहा चुके होंगे कि आपकी जान चली जाएगी। मतलब अगर आप इससे पहले ही डूबने से नहीं मरते तो अब आपके अंदर इतना जोश आ गया होगा कि आप सारी ताकत लगाकर खुद को पानी से बाहर निकालें। अगर कई लैम्प्रीज अब भी आप पर चिपकी हो तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इन्हें खींचकर 2 टुकड़े कर दें। ऐसा करने पर भी आपकी बॉडी पर खून चूसते टुकड़े लगे रह जाएंगे। बल्कि लैम्प्रीज को अपनी स्किन से डरा कर हटाने के लिए आग का इस्तेमाल करें। माचिस नहीं है, आप पानी के बाहर इनका दम घुटने का भी इंतजार कर सकते हैं। इस लैम्प्री के हमले से जिंदा बचना कोई मजेदार चीज नहीं होगी। आपको अपनी बॉडी पर बड़े गोल घाव मिलेंगे, इनमें खुजली होगी जिसका क्रेडिट जाता है हिस्टामिन को, जो कि लैम्प्री के थूक में मौजूद एंटी कोएगुलेंट के रिएक्शन के तौर पर आपकी बॉडी में से रिलीज होता है। लेकिन ये ताजी मछलियां बेकार मत जाने दीजिए। लैम्प्रीज शायद अब आपको देखने में बुरी लग रही हो, पर कई लोग इन्हें काफी टेस्ट लेकर खाते हैं। एक छोटी सी डिनर पार्टी रख लें और अपने दोस्तों को थोड़ी कुरकुरी भुनी लैम्प्री खिलाएं या तली हुई लैम्प्री की कोई डिश बना लें। लजीज। आपकी चोटों के बावजूद आप इस बात का शुक्र मना सकते हैं कि आप इससे भी ज्यादा घिनौनी किसी मछली से भरे पूल में नहीं गिरे, जैसे कि हैगफिश। देखना चाहते हैं ऐसे में क्या क्या होगा? तो बस जुड़े रहें क्या हो अगर के साथ।